नमस्कार, द नगरी न्यूज के ऑटोगिरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हम एक ऑटोगिरी में आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। काफी आपको मजा आएगा। लेकिन हम किस मुद्दे पे आज बात करेंगे, ऑटोगिरी में हम आज किस सेगमेंट की बात करेंगे, ये बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये जगह है। कुछ कुछ जो कच्छ का रण है उस जैसी ये नजर आती है। कौन सी जगह है ये भी मैं आपको बताऊंगा। काफी खूबसूरत जगह में से ये गिनी जाती है। जयपुर के आसपास का ही ये क्षेत्र है। और खूबसूरत जगह होने के साथ साथ काफी लोग भी यहाँ पर जो है सैर सपाटे के लिए आते हैं। खैर वो बात अलग है। लेकिन आज हम ऑटोगिरी में आपके लिए जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को लेकर आपने कई तरह के वीडियो देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बाजार में इस समय उपलब्ध है। ये तमाम तरह की जानकारी जो है पूरे इंटरनेट पे मौजूद है। लेकिन एक जानकारी जिसकी आज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपने खरीद लिया, लेकिन वो कितने टाइम तक चलेगा, कितने किलोमीटर चलने के बाद जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो बैटरी है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होना शुरू होगी। आज तमाम तरह के इन्हीं जो मुद्दे हैं इन पर हम बात करेंगे। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे साथ है भी यहाँ पर हमारे पास, बताना चाहेंगे। लगभग 3 साल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अपना समय पूरा कर चुका है और लगभग 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर ये जो व्हीकल है, ये गाड़ी है टाटा नेक्सॉन जो है ये इलेक्ट्रिक, ये चल चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो लगभग 3 साल इस व्हीकल को है, 3 साल ये व्हीकल पूरा कर चुके हैं, अपना जो टाटा नेक्सॉन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक, 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा ये गाड़ी चल चुकी है। आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे कि 1,00,000 चलने के बाद अब परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, जो मोटर इसमें लगी हुई है क्या उसमें किसी तरह की कोई पावर में कमी आई है या बैटरी है उसकी जो रेंज है वो कुछ घटी है। आज इसी के लेकर हम चर्चा करेंगे। देखिए 1,00,000 किलोमीटर ये व्हीकल फिलहाल जो है चल चुका है और हमारे साथ अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए अभिजीत के मन में कई तरह के सवाल थे कि आपने 1,00,000 किलोमीटर व्हीकल को चलाया है, 3 साल आपको हो गए हैं, क्योंकि काफी टाइम से अभिजीत भी ये सोच रहा था कि कुछ मन में अभिजीत के भी सवाल थे, तो अभिजीत से ही शुरुआत करते हैं। अभिजीत, 1,00,000 किलोमीटर व्हीकल चल चुका है, 3 साल हो चुके हैं, किस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे? देखो आदित्य, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पहला सवाल मैं 3,00,000 किलोमीटर की बात नहीं करूँ, पहला सवाल ये है कि ईवी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पहला सवाल कस्टमर के या गाड़ी लेने वाले के मन में जो आता है वो ये आता है कि ईवी ले या नहीं ले। उसके कारण ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग स्टेशन इतने है कि नहीं है, कितनी चलेगी, आपके पास एक कैपिंग हो जाती है कि आपके पास लिमिटेड किलोमीटर है, तो उस पे बात करें। और दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि ये 1,00,000 किलोमीटर चल गई है और 3 साल इसको हो चुके हैं, तो उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको किस तरीके की परेशानियां इसमें कुछ आई कि नहीं आई। चलिए आपके जो तमाम सवाल है उनको लेकर यहाँ पर जो है बात करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए अभिजीत ने सबसे पहले सवाल पूछा है कि अब परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए 3 साल पहले ये व्हीकल जो है खरीदा था खुद, तो मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले अभिजीत, देखिए जब मैंने पहले दिन जब ये गाड़ी जब मैंने खरीदी थी तो कंपनी ने मुझे लगभग 300 प्लस किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी की बताई थी। तो जब मैंने शुरू में चलाया तो मेरे मन में भी काफ़ी सवाल था कि भैया 300 किलोमीटर प्लस की कंपनी ने रेंज बताई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो ARAI 35 रेंज होती है जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को भी मिलती है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना होता है तब है। हालांकि गाड़ी को अगर आप 40-50 की स्पीड पे चलाओगे तो 250 से ऊपर ये चल जाएगी, लेकिन इस तरह की गाड़ी 40-50 की स्पीड पे चलाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हाईवे पे जब आप निकलते हो, रोड पे निकलते हो तो 60-70-80 तक की गाड़ी जाती है। अब बात करेंगे बैटरी पैक। 1,00,000 किलोमीटर अब ये गाड़ी चल चुकी है बिल्कुल, और अब सीधी सी बात है यहाँ पर कि 1,00,000 चलने के बाद अब गाड़ी की जो रेंज है वो किस तरह की यहाँ पर है, जो इसमें कोई अप एंड डाउन किसी तरह का आया है क्या। जैसे पहले दिन मैंने बताया कि ये जब गाड़ी मैंने खरीदी तो
तो लगभग 230-240 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में 240 किलोमीटर तक की गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब अभी भी जो 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी कुछ डेप्रिशिएट हो रही है नहीं हो रही है? देखिए ड्रेन बैटरी तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी भी 220-230 किलोमीटर की रेंज मुझे आसानी से। अच्छा, 3 साल के बाद भी आपको 200-230 किलोमीटर तक की रेंज आपको अभी तक मिल रही है। हालांकि देखिए परेशानी की जिस तरह से आपने बात की 60,000 या 70,000 किलोमीटर पे बैटरी पैक चेंज हुआ है, वो कोई टेक्निकल इशू था उसके बाद कंपनी ने इसका। अच्छा, वो टेक्निकल इशू था, वो ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस में आता है या फिर आपको चेंज कराना होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने चेंज करके दी थी, कोई इशू था बैटरी के साथ जैसा मैंने दिखाया बताया कई बार सडनली जो है जो क्या कहते हैं बैटरी एकदम से खत्म हो जाती थी, जैसे 40 पे है अभी मैंने कोई टेक्निकल फॉल्ट या कुछ था, अभी मैंने 40% पे खड़ी की, जब मैंने दोबारा स्टार्ट की तो वो 20% ही रह गई। तो कंपनी ने उसके बाद जो है इसकी बैटरी चेंज कर दी थी, हालांकि उसके बाद अभी तक मैं 40,000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ, वो वो मेरे सामने नहीं आई है। पर मुझे लगता नहीं कि कंपनी ने शायद कोई नई बैटरी मुझे लगा के दी होगी, हो सकता है कोई पुरानी बैटरी हो उसको रिपेयर करके या उसके सेल रिपेयर करके वो लगा के कंपनी ने मेरे को यहाँ पर दी होगी। तो बताना चाहूंगा कि ब्रेकिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई थी इस गाड़ी के अंदर, बहुत रेयर। कंपनी वालों ने भी कहा कि इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। तो शुरू में क्या था कि गाड़ी की जो ब्रेक थी वो सडनली जाम हो जाया करती थी, गाड़ी चल रही है तो अचानक इलेक्ट्रिक मोटर से शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ही आता है, ब्रेक लगने के बाद प्रेशर रिलीज करता है, तो वो कंटिन्यूसली आवाज कर रहा था। तो उसके बाद कंपनी ने इसका ब्रेक बूस्टर चेंज करके मुझे दिया था, लेकिन कुछ समय बाद सेम जो समस्या थी वो बनी रही, कुछ सही चली गाड़ी फिर से वही समस्या सामने आने लगी, डायग्नोस होने में काफी टाइम लग गया और फिर रिसेंटली जब 2-3 दिन तक ये गाड़ी खड़ी रही तब फ्रंट से चेक किया गया तो एक छोटा सा पार्ट था, एक रिले बताया था कंपनी ने वो इसका खराब हो गया था। तो फिर उसके बाद कोई समस्या शायद 800-850 रुपए का वो पार्ट था, मुझे देखते पे करना पड़ा, हालांकि उस वारंटी में थी गाड़ी उस समय, लेकिन कंपनी ने बताया कि ये पार्ट आपको परचेज करना ही पड़ेगा, इतना पैसा आपको लगेगा। तो मैंने वो पार्ट चेंज करवाया, उसके बाद मुझे किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए कई बार जब कंटिन्यूस इसको फास्ट चार्ज जब मैं करता रहा तो कई बार एक क्रिटिकल एरर गाड़ी के अंदर आ जाया करता था। किस तरह का एरर? एक ट्रायंगल बन के आता था और वो बार बार बीप करना शुरू कर देता था और उसमें गाड़ी फिर चार्ज होना बंद हो जाती थी, फास्ट चार्ज नहीं होती थी गाड़ी, उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी। तो वो क्रिटिकल एरर कोई बताता था और डिस्प्ले पर लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर। तो एक दो बार वो क्रिटिकल एरर की समस्या भी मेरे सामने इस गाड़ी के अंदर आई है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा कोई मेजर इशू फिलहाल सामने नहीं आया है। देखिए मैंने गाड़ी को 1,00,000 किलोमीटर चलाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके टायर हैं जो कंपनी ने साथ दिए थे वो अभी वही टायर है इस गाड़ी के अंदर, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ये आराम से 30-30 हज़ार किलोमीटर तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 20,000 किलोमीटर तो आराम से ये टायर जो है, टायर की कंडीशन देख के लग नहीं रहा है कि आपने इसको 1,00,000 किलोमीटर चला दिया। कई बार सर्विस सेंटर वाले भी यही पूछते हैं कि आप क्या यही वो, और जिसमें आप बता रहे हैं आपने इसमें ऑफ रोडिंग भी की है और हर जगह मैंने चलाया है इस गाड़ी को, ऐसी कोई जगह नहीं है, मैं पहाड़ों में भी। तो क्या कह सकते हैं कि डीजल पेट्रोल के मुकाबले अगर ईवी में है तो वो टायर कंजप्शन जो रहता है वो उसका शायद बढ़ गया है? देखिए मुझे लगता है कि जो टायर वो आपकी देखिए सबसे अच्छी चीज चलाने पे डिपेंड करती है। ये एक जो है गाड़ी की बहुत प्लस पॉइंट अपन इसको कह सकते हैं कि एक और कारण है कि इसको आप खरीद सकते हैं, क्यों खरीद सकते हैं इस गाड़ी को। बेसिकली इसके अलावा कोई मेजर इशू अभी तक जो है गाड़ी में मुझे देखने को नहीं मिला है, हालांकि कई पार्ट्स मैंने चेंज कराए हैं, हालांकि जो इसका फैन था इसमें काफी आवाज आ रही थी। अच्छा, रिसेंटली वो मैंने चेंज करवाया था। एक आवाज से मुझे याद आया आदित्य कि आवाज का जैसे मोटर होती है इंजन होता है तो इंजन की आवाज या इंजन नॉइस जो होता है वो गाड़ी के अंदर रहता है,
लेकिन इसके अंदर कोई इंजन से रिलेटेड कोई ऐसा नॉइज नहीं है, क्या एसी की आवाज या टायर की आवाज? टायर जब सड़क पे गाड़ी चल रही है हाईवे पे, जब 70 एसी की स्पीड पे आप चल रहे हो, तो ये टायर थोड़े से आवाज करना शुरू कर देते हैं जो आपको केबिन के अंदर भी सुनाई देगी। इसके अलावा गाड़ी की बॉडी जो है काफी मजबूत है, तो वहीं से आपको साइलेंट है, एसी की भी कोई इतना मैटर नहीं है, एसी की कोई आवाज आ रही है। लेकिन इसका फैन जो है वो रिसेंटली खराब हो गया था, काफी आवाज करना उसने शुरू कर दिया था, तो उसके बाद मैंने जो है वो जो फैन है वो चेंज करा है। 12-13 हजार का वो फैन था, लेकिन वो वारंटी में था, वारंटी में, तो वो आसानी से चेंज हो गया। इसके अलावा एक मोटर की बात करें तो देखिए मोटर में अभी भी वही दम है इस गाड़ी के अंदर, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अभी भी 8 से 9 से 10 सेकंड के अंदर 0 to 100 आ रहा है। वही मैं उसी पे आने वाला था कि अब जो यूथ का जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, कि डीजल और पेट्रोल से अगर अपन कंपेयर करते हैं ईवी को, तो परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस है, बेटर है कि बराबर है या फिर उससे? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मोटर उसी तरह से अभी भी काम कर रही है और वही 8 से 9 से 10 सेकंड के अंदर 0 to 100 की गाड़ी आराम से पहुंच रही है। तो उसमें पावर में कोई इशू अभी तक भी गाड़ी को लेकर है वो देखने को नहीं मिला है। तो ये मोटी मोटी सी जो बातें हैं ये है, गाड़ी अभी जो है वो खड़ी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं जगह का नाम भी बता देता हूँ आपको, ये जगह बिल्कुल ये सस्पेंस जयपुर के आसपास, जयपुर के पास ही लगभग 70-80 किलोमीटर पर ये जगह है, सांभर लेक का आपने नाम सुना होगा, फिल्म की शूटिंग होती है। तो आज नमक का बहुत बड़ा उत्पादन होता है, बिल्कुल नमक सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादित किया जाता है और काफी खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं कई फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है और रिसेंटली कई फिल्मों के अभी हम जब आ रहे थे तो कोई शूटिंग के सेट भी लगे हुए थे, शायद कोई प्लेटफॉर्म जो होंगी। गाड़ी को एक बार मैं आपको अंदर से जो है बिल्कुल इसकी अपन परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं और थोड़ा सा इसको इंटीरियर से जानने की कोशिश करते हैं। इंटीरियर तो एक पुस्तक जो आप समझ जाएंगे, इंटीरियर की ऐसी बात नहीं है। और देखिए इस समय गाड़ी के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं, अंदर से आप देख सकते हैं अभी तक वैसी ही है गाड़ी, किसी तरह की कोई, जैसे पहला दिन मैंने गाड़ी को खरीदे था उसी तरह का इंटीरियर में किसी तरह की कोई, हालांकि अभी चेंज हुई है, नई जो गाड़ी आई है उसमें शायद इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी तरीके से चेंज कर दिया, चेक ऑल टायर प्रेशर, शायद किसी उसमें हवा कम है टायर में, आप देख सकते हैं 1,02,421 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और देखिए हम जयपुर से अभी ट्रेवल करके आ रहे हैं, 100% मैंने गाड़ी चार्ज की थी जयपुर के अंदर और उसके बाद मैं 87 ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ, 55% बैटरी अभी भी गाड़ी के अंदर बाकी है, तो अभी भी लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से अभी तक चल जाएगी, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और में एक और चीज सुनने को मिली है कि इसमें अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो और कई ऐसे फीचर्स हैं जो उसमें अपग्रेड कर देते हैं। देखिए हाँ, जब मैंने खरीदा था गाड़ी को तो कई फीचर्स नहीं थे, मुझे लगता था गाड़ी में के अंदर जो क्रूज कंट्रोल है अच्छा वो होना चाहिए गाड़ी के अंदर, सबसे बड़ी उस टाइम नहीं आया, उस समय गाड़ी में नहीं था क्रूज कंट्रोल, तो उसके कुछ समय करीब साल भर या 1.5 साल पहले कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था, उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक अपडेट हुआ और एक क्रूज कंट्रोल उसके अंदर आया और एक जो अपनी जो वॉच होती है स्मार्ट वॉच उससे कनेक्टिविटी का भी कोई ऑप्शन था, दो चीजें तो आदित्य मतलब डाइजेस्ट हो जाती है कि ये अपग्रेड हो गई, लेकिन क्रूज कंट्रोल कैसे अपग्रेड हुआ? देखिए क्रूज कंट्रोल के लिए कई लोग पूछते हैं कि यार उसमें तो जो पेट्रोल डीजल में है यहाँ पर उसमें बटन आते हैं ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैं क्रूज कंट्रोल लगा के आपको दिखाता हूँ लाइव एक बार टेस्ट करते हैं। देखिए कई जैसे आप ही का एक सवाल था तो अभी गाड़ी मतलब पता भी नहीं लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है और सीट बेल्ट लगाना थोड़ा, सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चला रहे हैं, मैंने इसको डाला और ये मैंने इसे सेलेक्ट किया। अच्छा तो ये मोड में डाटा वालों ने इसको ये 22 पे लग गया, मैंने एक्सीलेटर से पैर हटा लिया है, अब आप देख सकते हैं ये तो टाटा वालों की माननी पड़ेगी कि इन्होंने क्रूज कंट्रोल का हार्डवेयर ना होने के बाद में भी सॉफ्टवेयर में इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है।
ये तो काबिल तारीफ वाली बात है। बीच में ये जो म्यूजिक सिस्टम है मैं इसकी भी बात आपसे करना चाहूंगा। देखिए जो म्यूजिक सिस्टम है इसको लेकर भी कई इश्यूज सामने आए थे। कई बार इसकी स्क्रीन ब्लू हो जाती थी ऑटोमेटिक। अच्छा। ये बंद हो जाता था, ब्लू हो जाती थी, तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं गया तो कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया, उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं उसके अंदर। फिर मैंने जब कंपनी को जब कोई एक दो मेल किया तो उन्होंने बताया कि 60,000 से ऊपर हम इसकी वारंटी नहीं देते। अच्छा। गाड़ी वारंटी में थी, 3 साल और 125,000 किलोमीटर की वारंटी में आती है, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम सिर्फ 60,000 तक की वारंटी है। वही है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है जो हम स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, वो शायद उसी में ये नुकसान है। लेकिन ठीक है, होपफुली कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा तो शायद ये अभी भी ये समस्या है कि कई बार कर देता है इस तरह की समस्या। ये बाकी एसी में शुरू में कुछ इश्यूज थे, एसी के अंदर भी कुछ इश्यूज थे, गाड़ी ठंडी नहीं होती थी गर्मी के अंदर, गाड़ी जो है वो ठंडी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब पिछला क्या कोई सॉफ्टवेयर था या कुछ इसके कारण अब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। कि शुरू में जो एक बार चीजें डेवलप होती है तो उसमें बग्स आते ही है, लेकिन वो धीरे धीरे, अच्छी बात ये है कि टाटा उनको कैरी फॉरवर्ड करके आगे उनको अपडेट कर रहा है और उनको सुधार कर रहा है। हम आज रिव्यू करें 1 साल के बाद क्या कंडीशन है गाड़ी की, कैसी क्या चल रही है। जैसा आपने बताया कि 1 लाख से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, किसी तरह की कोई समस्या गाड़ी के अंदर आ नहीं रही है और परफॉर्मेंस वाइज भी ऐसा कुछ है नहीं। तो वन वर्ड आदित्य, मैं ये एक सवाल पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल, कि ईवी लेनी चाहिए कि नहीं? ये सारे डिस्कशन के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है? आप देखिए, अगर आपका क्या रिव्यू है? रेंज एंजाइटी नहीं है आपको, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके गाड़ी चला सकते हैं कि नहीं अपन पहुंच जाएंगे। जैसा कि मैंने किया, जब मैंने पहले ट्रक किया था तो सिलेक्टेड चार्जिंग स्टेशन मैंने खरीदी थी, तब तो चार्जिंग स्टेशन ही नहीं थे गाड़ी कहीं भी। बिल्कुल। वो तो अभी कुछ साल 2 साल के अंदर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हुआ है। इसके अलावा खरीदे या नहीं खरीदे ये आप पे है, क्योंकि देखिए 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और मैं मानता हूँ अगर 5 रुपए किलोमीटर का हम हिसाब लगा कर चलें, देखिए 15-16 लाख की ये गाड़ी आती है। और अगर कैलकुलेशन की बात करें, 1 लाख अगर पेट्रोल या डीजल की मेरी गाड़ी होती, 5-6 रुपए किलोमीटर भी पकड़ के चलते, तो 5-6 लाख का जो फ्यूल है वो शायद इसमें खर्च होता। इसमें 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है तो हो सकता है कि मैंने 1 लाख की बिजली इसमें पिछले 3 साल में खर्च, और ऑन एवरेज अपन पकड़ के चले तो ये 1 रुपए पर किलोमीटर के, 1 से 1.5 रुपए किलोमीटर प्लस। एक चीज और इसके अंदर मेंटेनेंस काफी कम है इस गाड़ी का, डीजल और पेट्रोल के ऊपर। रिसेंटली अभी मेरी सर्विस हुई थी, 1 लाख किलोमीटर पे मैंने सर्विस करवाई थी गाड़ी की, तो मेरा 900 या 800 रुपए। मैं समझ पा रहा हूँ कि इसके अंदर आपका जो इंजन ऑयल है वो एक कम हो गया है, और कई सारी चीजें हैं, आपका ऑयल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, इस तरह की जो तमाम चीजें होती है वो गाड़ी के अंदर नहीं होती। हालांकि 20,000 से 25,000 किलोमीटर पे इसका गियर ऑयल चेंज होता है, वो भी ज्यादा कॉस्टली है नहीं। और इसके अलावा 60,000 किलोमीटर पे जो कूलेंट है जो बैटरियों को ठंडे करता है। एक बड़ा सवाल आदित्य, कि कंपनी ने ऐसा कुछ क्लेम किया है, या आपको क्या लगता है कि इसकी बैटरी कितने किलोमीटर पे या कितने टाइम के बाद चेंज होगी? देखिए 1,60,000 या फिर 8 साल तक की वारंटी कंपनी दे रही है उसके अंदर। ठीक है, 1 लाख में चला चुका हूँ, अभी तक मुझे कोई इश्यू बैटरी को लेकर लगा नहीं है। हालांकि एक बार बैटरी चेंज हो चुकी है और मैंने बताया कि नई बैटरी शायद लगी नहीं होगी इसके अंदर, पुरानी बैटरी के को ही रिपेयर करके या उसकी स्पेशल जो भी फॉल्ट था उसको रिपेयर करके वो वापस बैटरी लगाई है शायद उसके अंदर। अगर मैं मानता हूँ कि 1,60,000 तक भी, 2 लाख देखिए अगर गाड़ी चलेगी तो नो डाउट कि जैसा मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि 10 से 15% जो है डिग्रेड बैटरियां होती है। अच्छा। पर उसमें ये नहीं है कि पूरी बैटरी चेंज हो जाएगी, उसके अंदर कुछ सेल्स या जो भी सेल डैमेज हो चुके होंगे, जो वर्क नहीं कर रहे होंगे, जो प्रॉपरली पावर नहीं दे रहे होंगे या चार्ज नहीं कर रहे होंगे, तो वो शायद सेल चेंज हो जाएंगे उसके अंदर और उसके बाद जो है बैटरी वापस आपकी नहीं हो जाएगी। तो आज हमारे साथ जो है टाटा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाटा नेक्सॉन, वो हमारे साथ थी यहाँ पर।
हमने उसका रिव्यू किया, 1,00,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, क्या कुछ समस्याएं आई और अभी बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है, मोटर की परफॉर्मेंस कैसी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो नगरी न्यूज़ के ऑटोगिरी कार्यक्रम पर हम लगातार आपसे आपके लिए इस तरह की जो गाड़ियों की से जुड़ी बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। और अगर आपको भी किसी तरह का कोई सवाल आपके मन में है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका जो भी प्रश्न हो उसका जवाब आपको वहाँ जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।